तो हेलो नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में साइंस वर्ल्ड पर। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपनी चल रही है क्लास 11th, क्लास 11th की रसायन विज्ञान का अपना चैप्टर चल रहा है 4। तो अपन क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी रसायन विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं। इसके अंदर अपन बात करें तो क्या पढ़ रहे हैं हम, जो हमारे आणविक कक्षक होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो ऊर्जा के आरेख बनाए जाते हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा आरेख को अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऊर्जा आरेख को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत से ऊर्जा आरेख देखे, तो हम पीछे वाली क्लास में हमने देखे थे कुछ इलेक्ट्रॉनों का, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आज की क्लास में बात करें तो हम क्या देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो 15 या 20 से मध्य जब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनका जो अपन क्या लिखते हैं, ऊर्जा आरेख बनाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, वह चीज़ अपन देखने वाले हैं। तो यही देखेंगे कि यदि अणु में इलेक्ट्रॉन 15 से 20 हो तब अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो, यदि अणु में इलेक्ट्रॉन 15 से 20 हो तो अणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है। कब देखना है, अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो 15 से लेकर के 20 के मध्य हो तो अपन क्या कह सकते हैं, किस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है अपने को, वही चीज़ अपन क्या करने वाले हैं आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अपने को क्या पता है, अपने को कहाँ तक पता है वह अपन क्या कर लें, बात करें। तो अपन कल की क्लास में देख चुके हैं अपने को सबसे पहले क्या आता है, सिग्मा 1s2, फिर क्या आता है सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2s2 और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद अगर बात करें तो अपने को पता है सबसे पहले dx फिर dy। तो dx और dy अपने को पता है किस प्रकार के बंध का निर्माण करते हैं, पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो वही चीज़ अपन लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे पाई, ठीक है, किसके अंदर है px2 और पाई py2, क्या आएगा पाई px2 और पाई py2 आ जाएगा। उसके बाद अपने को पता है कि जो जेड आता है वो किस में आता है, सिग्मा pz की, उसके px में 2। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा सर p में 2 क्यों भर रहे हैं, तो p में 2 क्यों भर रहे हैं, अपने को पता है p में कुछ कक्षकों की संख्या कुछ कितनी होती है 3, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 और इसमें इसको क्या क्या है x, ये क्या हुआ अपना x, ये क्या हुआ y और ये क्या हुआ जेड। तो इन तीनों को अपन क्या लिख रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग लिख रहे हैं। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, उसी प्रकार से पाई स्टार px2, फिर पाई स्टार py2, उसके बाद सिग्मा स्टार क्या बना pz2। अब इलेक्ट्रॉनों की अगर गिनती करें तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन अपने पास हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम इससे आगे बात करें, क्या करें, इससे आगे जब इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे, सिग्मा 2pz, क्या भरेंगे सिग्मा 2pz की हो, इसको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको जो नई चीज़ सीख रहे हैं वह पता लगती रहे। तो क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले सिग्मा 2pz में कितने भर दिया, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए। उसके बाद अगर हम इससे क्या करें आगे की बात करने को जाएं तो अपन क्या कह सकते हैं पाई, क्या आया पाई स्टार, क्या आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इक्वल किसके होगा, मतलब बन बनाए पाई स्टार 2py के, पाई स्टार 2py में, इनमें क्या भरे जाएंगे जो अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हैं, जो आगे के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्रकार से इस क्रम में अपन क्या करेंगे, इनको क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तो यदि ये परमाणु में क्या हो, अणु में क्या हो इलेक्ट्रॉन्स हो, वो 15 से 20 हो तो अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे वो अपनों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें नेक्स्ट नया ऐड क्या किया वो भी चीज़ अपनों ने यहाँ पर क्या कर ली, अच्छे से समझ ली है। तो इसके लिए चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, अपन उदाहरण किसका लेंगे, अपन यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं O2 का, किसका लिया O2 का, अपने को पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना O2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण हुआ O2 का निर्माण हुआ। तो अपने को पता है ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल
16 इलेक्ट्रॉन अपने पास उपस्थित हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 16 आ जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने चलते हैं इसका। तो अपने को क्या पता है इसका, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आया सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आया पाई 2p y2, फिर पाई 2p x आएगा, सॉरी यहाँ पे x और यहाँ पे y2, फिर क्या आया पाई 2p z2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक क्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की अपने को दिक्कत नहीं होगी, कहाँ तक सिग्मा 2p z तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको चाहे पहले लिख लो इससे या इसके बाद लिख लो, इससे कोई भी फर्क है वो आपका नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए नया इलेक्ट्रॉन किसमें भर रही है, क्या देखेंगे अपन, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अपन भर रहे हैं। देखिए अपनों ने क्या सीखा यहाँ पर, पाई स्टार, इसको पहले आओ, इसको पहले ले आओ, इसको पहले ले आते हैं, क्या आया पाई स्टार, सबसे पहले क्या था पाई स्टार 2px, क्या है पाई स्टार 2px, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन भरा, कितना इलेक्ट्रॉन भरा एक, और उसके बाद अपने को पता है क्या आएगा पाई, क्या फ्रेम में आ रहा है, जी हाँ कोनो दिक्कत नहीं, पाई स्टार 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर क्या क्या भरे गए, एक एक इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या किए फील किए। तो अपने हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अपन किसके क्या निकाल लें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, क्या निकाल लें इसके लिए, जब अपन क्या निकालेंगे, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, आबंध कोटि निकालेंगे, क्या निकालेंगे आबंध कोटि निकालेंगे। तो इसकी आबंध कोटि की अगर हम क्या करें बात करें, तो इस आबंध कोटि के लिए फॉर्मूला आपको पता है, उसमें क्या रख देना है, मान रख देना है। तो इसके लिए मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/2, 4, क्या बचा 2, तो आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ जाता है। इसका आंसर कितना आ गया अपने को पता चल गया, आंसर आ गया 2। बिहेवियर की बात करें तो इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या बन गया अनुचुंबकीय, क्या बन गया अनुचुंबकीय बिहेवियर को क्या कर रहा है, अनुचुंबकीय प्रकृति को शो कर रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब क्या करें कि अपन इसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या करें ऑक्सीजन को अपन यहाँ इस अवस्था में एक और इलेक्ट्रॉन दे दें। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिख रहे हैं, O2-, क्या लिख रहे हैं O2-। तो अपने को क्या पता है, एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन होगी, एक ने ऑक्सीजन ने क्या रखा हुआ इलेक्ट्रॉन ले रखा होगा, तो क्या बनेगा O2-। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, इसके पास कितने होंगे 7, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो अब इसका क्या लिखें अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं जल्दी से, इसका क्या लिख लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आया सिग्मा 2s2, फिर आया सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा उसके बाद देख लेते हैं पाई पाई 2py, इसमें कितने आए 2, फिर पाई 2px आया, सॉरी फिर आएगा वाई, इसमें भी कितने हैं 2, फिर क्या आया पाई 2pz, यहाँ पे आ जाएगा जेड बनेगा। तो सिग्मा और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, कितने आ गए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2, फिर क्या आएगा देखिए पाई स्टार 2px, इसमें कितने आएंगे 2, ठीक है, और उसके बाद पाई स्टार 2py के अंदर कितने आएंगे 1। तो इलेक्ट्रॉनों की गिनती कर लें अपन, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, एक ज़्यादा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो 8 की जगह कितने हो जाते हैं यहाँ पर 9 हो गए, और यहाँ पर कितने 16 की जगह 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या लिया बाहर से, इसमें ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो ये चीज़ बन गई। अब इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है तो सबसे बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर अनुचुंबकीय होगा। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो किस प्रकार से आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका 1/2/3, तो कितना आ जाएगा 1.5, इसका क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, आबंध कोटि कितनी आ जाएगी इसकी 1.5 है इसकी आबंध
कोटि आ जाएगी। अब क्या बात करें, अगर इसके बिहेवियर की बात करें, अपन किसकी बात करें, इसके बिहेवियर की बात करें, तो बिहेवियर देखें तो बिहेवियर क्या होगा इसका, अनुचुंबकीय। कैसा बिहेवियर होगा इसका, अनुचुंबकीय टाइप का बिहेवियर अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर इसी चीज़ में अपन क्या करें, इसमें थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस में, इतने एरिया में, मुझे लगता है कि अपन क्या कर लेंगे, इसमें कुछ चीज़ें नई है, वो आवश्यक है, वो आपको बता देते हैं। देखिए अपन क्या करें, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन और दिया, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं पाई स्टार 2p वाई में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। पाई स्टार 2p वाई में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। और जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब अपन क्या निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को जाएंगे, तो किस प्रकार से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 6-4 तो 1/2/2 कितना बच जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर, अपने को देखने को मिल जाने वाला है, कितना 1 आंसर इसका अपने को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले अपनों ने क्या सीखी, ऊर्जा रेख में रूप में, जब इलेक्ट्रॉन 15 से 20 के रूप में हो, सबसे पहले 16 फिर 17 और फिर 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनों ने क्या किया, इसमें अच्छे से समझाइए, 18 इलेक्ट्रॉन रहे, ये रहे 17 और ये रहे 16 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के सबसे पहले अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल, बॉन्ड ऑर्डर में देखिए क्या हो रहा है, लगातार क्या होती चली गई, गिरावट होती चली गई। तो अपन क्या लिख रहे हैं, स्थायित्व का अगर क्रम लिखने जाएं, अपन क्या लिखने जाएं, स्थायित्व का क्रम क्या लिखेंगे, स्थायित्व का क्रम लिखे, तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, देखिए O2 के पास जब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्थाई होगा। उसके बाद अगर बात करें ये नॉर्मल अवस्था में, उससे ज़्यादा कम स्थाई, -1 चार्ज पे उससे ज़्यादा कम स्थाई, -2 चार्ज पे उससे कम स्थाई, O2 -3 चार्ज पे उससे कम स्थाई होता चला जाएगा। अगर इसके क्या लिखें अपन, 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5, ये क्या इसकी हो जाएगी, आबंध कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आबंध कोटि हो जाएगी। तो जल्दी से अपन क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं और फिर अपन क्या करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे इस चैप्टर को अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू। तो अपनी क्या करेंगे, सभी से क्या एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसको अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे आगे अपन क्या देखने वाले हैं, तो इससे आगे अपन देखेंगे एक छोटा सा नोट, छोटे से नोट में अपन क्या देखने वाले हैं। तो अपनों ने क्या लिखा, H2 माइनस अवस्था में आ गया, HeLiM2 पॉजिटिव अवस्था में आ गया और Li2 इस अवस्था में आ गए। तो अब इसको अपन क्या कह सकते हैं कि अपन जब बनाए क्या कहें, द्विपरमाणुक अणु, क्या बने, द्विपरमाणविक अणु बनते हैं, क्या बनते हैं अपने पास, द्विपरमाणविक अणु, ठीक है। तो कितने प्रकार के बनेंगे, ये अपने को देखने को मिलेंगे 2 प्रकार के, कितने प्रकार के देखने को मिलेंगे, 2, सम परमाण्विक और विषम परमाण्विक, क्या देखने को मिलेंगे, सम परमाण्विक और दूसरा विषम परमाण्विक, सम परमाण्विक व विषम परमाण्विक, 2 टाइप के अपने को क्या हो गए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो सम परमाण्विक की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, O2 H2, ये क्या हो गए अपने समान परमाणु वाले हो गए, सम परमाण्विक हो गए। विषम परमाण्विक की बात करें तो जिनमें दोनों क्या हो, अलग अलग परमाणु से बने हो। एक और बात, CO HCN, ये क्या करते हैं, MO2, इन पे क्या रहती है, MOT लागू रहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या रहती है, लागू रहती है। तो ये तो क्या था अपना एक छोटा सा नोट था, जिसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हाइड्रोजन आबंध।
जो अपने लगभग इस चैप्टर को अपन कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर दें, इसको फिनिश कर दें। तो आज की क्लास के लिए अभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज ही क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।